6 फरवरी यानी आज का दिन इतिहास में खास महत्व रखता है। आज के दिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आज ही के दिन 1890 में महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1911 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन का जन्म हुआ था। वे इस पद पर पहुंचने वाले एकमात्र फिल्म अभिनेता थे। और आज ही के दिन 1931 में मोतीलाल नेहरू का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1952 में एलिजाबेथ द्वितीय ने ग्रेट ब्रिटेन की राजगद्दी संभाली और 2002 में राजसिंहासन पर अपने 50 वर्ष पूरे करने का जश्न मनाया था। आज ही के दिन 1958 में म्यूनिख में एक हवाई हादसे में 21 लोग मारे गए थे। इनमें मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के 7 खिलाड़ी भी थे। आज ही के दिन 1959 में श्रीमती अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई थी। और आज ही के दिन 1971 में अपोलो 14 के जरिए चांद पर पहुंचने वाले एलन शेपर्ड ने 2 दिन तक चांद पर चहलकदमी के दौरान गोल्फ बॉल को हिट किया था और वह चांद पर गोल्फ खेलने वाले पहले व्यक्ति बने। आज ही के दिन 1993 में अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी आर्थर एश का निधन हुआ था। वह ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले अश्वेत खिलाड़ी थे। आज ही के दिन 2001 में इजराइल में दक्षिणपंथी लिकुद पार्टी के एरियल शरोन ने चुनाव में जीत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल, हिंदी।